हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन पर टैप कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला आइसिंग या फिर व्हिप्ड क्रीम या फिर वनीला फ्रोस्टिंग, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं। आज मैं सिंपल बनाने जा रही हूँ, जो हम केक पर डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्रीम मैं बनाने जा रही हूँ। ये बहुत कम सामान के साथ बनते हैं, तो इसके लिए हमें जो सामान चाहिए हम देख लेते हैं। हमने ली है डबल क्रीम, हैवी क्रीम जिसे कहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप अमूल की सिंपल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। साथ में लिया है मैंने 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस और आधा कप ली है मैंने पिसी हुई चीनी या फिर ग्रेनुलेटेड शुगर। अब इसे रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक विस्कर के साथ जो हमारी क्रीम है उसे व्हिप्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिक विस्कर के साथ हम फेंट लेते हैं। इसे हमने 2 मिनट तक फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी चीनी है पिसी हुई पूरी, और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा वनीला एसेंस है, और अब हम इसके साथ इसे फेंटेंगे। इसे पहले हम मिक्स कर लें ताकि इसे बीट करते हुए जो हमारी चीनी है वो उड़े नहीं। और हम इसे पूरी तरह से फ्लफी हो जाने तक इसमें बीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम बीट नहीं करेंगे, नहीं तो इससे मक्खन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 5 मिनट तक फेंट लिया था, इसे हम थोड़ी देर और फेंटेंगे। ये देखिए हमने इसे फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसमें सॉफ्ट पिक बनने लगे हैं, सॉफ्ट पिक जैसे हम व्हिपिंग क्रीम में इस तरह से डालते हैं अपने विस्कर को और उसे उठाते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह की जो पिक्स बनती हैं उसे सॉफ्ट पिक कहते हैं। ये बन चुकी है, इसका मतलब हमारी आइसिंग बिल्कुल रेडी है, व्हिप्ड क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको मल्टी कलर की व्हिप्ड क्रीम बनाना सिखाऊंगी, यानी कि इसी से आप पिंक कलर या ग्रीन कलर जिस भी कलर में चाहें व्हिपिंग क्रीम किस तरह से बनाएंगे मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मल्टी कलर व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपके पास बहुत सारी हो तो आप इसी में कलर ऐड करके और व्हिपिंग मशीन इसमें घुमा सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ली और अब इसमें मेरे पास ये है पाउडर्ड कलर है मेरे पास येलो। इसमें से आप बिल्कुल थोड़ा सा कलर इसमें ऐड करेंगे इस तरह से, ये देखिए, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हमने इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ये देखिए ये कलर हमने इसमें ऐड कर दिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर की हमारी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। ये लेमन कलर की रेडी हुई है, आप इसे रस मलाई में, लेमन केक में या फिर बनाना केक में आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अब मैं आपको ग्रीन कलर की या फिर जिस कलर की आप चाहें वो कलर आप इसमें ऐड करें, आसानी से बनाएं। फिलहाल मैं आपको ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम बनाना सिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ग्रीन व्हिप क्रीम बनाने के लिए हम एक बार फिर एक बाउल में थोड़ी सी व्हिप क्रीम लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन कलर। ये देखिए मेरे पास बिल्कुल ग्रीन कलर है, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये देखिए। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, अच्छे वाले कलर्स हैं। आपके पास जो भी कलर्स मौजूद हों आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ग्रीन कलर की आइसिंग भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे कलर की रेडी हुई है। इसे आप किसी भी केक में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर कई कलर की आइसिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि हम केक को मल्टी कलर से डेकोरेट कर सकें, तो आप इसे मन चाहे कलर्स में बना सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह के बाउल्स में निकाल लूँगी और हमारी आइसिंग पूरी तरह से रेडी है। 3 कलर की आइसिंग मैंने आपको सिखा दी है, अब मैं आपको इसे फाइनल लुक दिखाऊँगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, मल्टी कलर के साथ हमारी आइसिंग या फिर व्हिपिंग क्रीम, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, बिल्कुल रेडी है केक डेकोरेट करने के लिए। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसी आसान आसान और यूनिक रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही यूनिक सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।